2013 20 मीटर डायमीटर का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये एस्ट्रॉइड 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रशिया के एक शहर की तरफ बढ़ रहा था। तेज गति से गिरता हुआ ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की सरफेस से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया। एस्ट्रॉइड का सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर विस्फोट इतना भयंकर था कि रशिया के 6 शहर इसकी चपेट में आए और लगभग 7,200 घर क्षतिग्रस्त हो गए और तकरीबन 1,500 लोग घायल हुए। अगर उस एस्ट्रॉइड का विस्फोट सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर होता तो 2013 में रशिया के वो शहर नक्शे से गायब हो चुके होते, या फिर अगर वो एस्ट्रॉइड 20 मीटर डायमीटर का ना होके 60 मीटर डायमीटर का होता तो उसका विस्फोट 30 किलोमीटर ऊपर ना होके सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर ही होता। पृथ्वी से देखने पर अंतरिक्ष हमें जितना शांत नजर आता है, दरअसल वैसा है नहीं। एक सेब के आकार से लेकर कई किलोमीटर लंबे चौड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिनमें रोजाना हजारों की संख्या में छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। लेकिन पृथ्वी का वरदान रूपी वायुमंडल उन छोटे एस्ट्रॉइड्स को एयर फ्रिक्शन की वजह से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन अगर एस्ट्रॉइड का आकार 60 मीटर डायामीटर या इससे अधिक होता है तो पृथ्वी का वायुमंडल एस्ट्रॉइड को खत्म नहीं कर पाता और उसके पृथ्वी की सतह से टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 9 जनवरी 2017, जब पूरी दुनिया अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, उस समय करीब 25 से 30 मीटर का एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो एस्ट्रॉइड चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश ना करके पृथ्वी और चांद के बीच से निकल गया। अंतरिक्ष में भटकते हुए एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटाने की क्षमता रखते हैं। लाखों साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने ही डायनासोर की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। हम अभी तक सुरक्षित हैं और किसी भी एस्ट्रॉइड का शिकार नहीं हुए, तो इसका श्रेय जाता है बृहस्पति ग्रह को, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र है जो एस्ट्रॉइड्स के पाथ को बदल देता है। अंतरिक्ष में केवल एस्ट्रॉइड ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि एस्ट्रॉइड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं भटकते हुए लावारिस ग्रह। इन ग्रहों को रोज प्लैनेट बोला जाता है। ये ग्रह लावारिस इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कोई भी तारा नहीं होता, या यूं कहें कि ये किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाते। ये रोज प्लैनेट सीधे आकाशगंगा का ही चक्कर लगाते हैं, या फिर आकाशगंगा में रैंडमली इधर से उधर भटकते रहते हैं। आमतौर पर रोज प्लैनेट का निर्माण दो तरह से होता है। एक तो वो जब तारों का निर्माण हो रहा होता है तब ग्रहों का भी निर्माण होता है, उसी समय रोज प्लैनेट बन जाते हैं, और दूसरा कारण है ग्रहों का आपस में टकरा जाना। कई बार ऐसा होता है कि तारे की परिक्रमा करते हुए दो ग्रह आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से परिक्रमा करते हुए ग्रह का पाथ चेंज हो जाता है और वो ग्रह सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता है। अब हमारी समझ में ये बात तो आती है कि रोज प्लैनेट क्या होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रोज प्लैनेट एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। हम आकाशगंगा में किसी भी तारे को डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि तारों का खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता, इस वजह से ग्रहों को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि किसी भी तारे का चक्कर लगाते हुए ग्रहों को डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन भटकते हुए लावारिस ग्रह को डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। आपने इंटरनेट पर एक अफवाह तो सुनी ही होगी कि पृथ्वी प्लैनेट एक्स नाम के ग्रह से टकराने वाली है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पृथ्वी कभी किसी ग्रह से नहीं टकराएगी। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब भी कोई लावारिस ग्रह किसी सोलर सिस्टम के पास से गुजरता है तो वो ग्रह तारे के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सोलर सिस्टम के अंदर खिंचा चला आता है, जिस वजह से सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रहे ग्रहों से वो लावारिस ग्रह टकरा जाता है। वैसे इसकी संभावना बहुत कम है कि हमारी पृथ्वी किसी ग्रह से टकराए, क्योंकि हमारे सबसे नज़दीकी रोज प्लैनेट ही हमसे 7 प्रकाश वर्ष दूर है।
अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड्स और लावारिस ग्रह ही एकमात्र खतरा नहीं है। एस्ट्रॉइड्स और लावारिस ग्रह से भी खतरनाक होते हैं शूटिंग स्टार्स, जिनको कि हाइपरवेलोसिटी स्टार भी बोला जाता है। आपने टूटते हुए तारों के बारे में तो सुना ही होगा। टूटते हुए तारों को देखकर लोग मन्नत यानी विश मांगते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हम देखते हैं वो टूटते हुए तारे नहीं होते, बल्कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स होते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडलीय फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर हम विश मांगते हैं। वैसे दुआ करना कि आप कभी टूटता हुआ तारा ना देखें, क्योंकि टूटता हुआ तारा जो तबाही मचाता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टूटता हुआ तारा किस तरह से तबाही मचाता है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टूटते हुए तारे का निर्माण कैसे होता है। टूटता हुआ तारा बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में एक ही सौर मंडल में दो तारे होते हैं और वो दोनों तारे बीच में कहीं मौजूद सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। टूटते हुए तारों का निर्माण दो तरह से होता है। पहला तो ये कि जब तारे बूढ़े हो जाते हैं यानी तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, तब बाइनरी स्टार सिस्टम के किसी एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से दूसरा तारा सौर मंडल से बाहर धकेल दिया जाता है और वो तारा हाइपर वेलोसिटी गेन कर लेता है। इस वजह से टूटते हुए तारे को हाइपर वेलोसिटी स्टार बोलते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार को शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि तारे की रफ्तार गोली की रफ्तार से भी तेज होती है। टूटते हुए तारे के निर्माण का दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के नज़दीक होता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से एक तारा तो ब्लैक होल के अंदर समा जाता है और दूसरा तारा तेज गति से बाहर फेंक दिया जाता है और वो हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाता है। आइए अब जानते हैं कि टूटता हुआ तारा किस तरह से तबाही मचाता है। एक लावारिस ग्रह या एस्ट्रॉइड तो सिर्फ एक ही ग्रह को तबाह कर सकते हैं, लेकिन टूटता हुआ तारा पूरे सौर मंडल को ही तबाह कर देता है, क्योंकि जब भी कोई टूटता हुआ तारा किसी सोलर सिस्टम के पास से गुजरता है तो उस तारे की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह सौर मंडल को छोड़ बाहर निकल जाते हैं और लावारिस ग्रह बन जाते हैं। अगर वो ग्रह सौर मंडल से बाहर ना भी निकलें तब भी वो ग्रह तबाह हो जाते हैं, क्योंकि टूटे हुए तारे की ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रॉइड्स और ग्रह उसके पीछे खींचे चले जाते हैं, जिससे सौर मंडल में ग्रहों की टक्कर और एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो जाती है। अगर हाइपर वेलोसिटी स्टार सौर मंडल की सीध में आता है तो उसका सौर मंडल के तारे से टकराने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार इतने तेज होते हैं कि वो आकाशगंगा की स्केप वेलोसिटी को पार कर आकाशगंगा से बाहर निकल जाते हैं।